हेलो गाइस, मैं नेशनल एथलीट अंकित शर्मा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है। पोस्ट की बात करते गाइस, स्पोर्ट्स ऑफिसर एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का पोस्ट निकल के आया, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है एंड क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, प्लस क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है। उसी पियाप पे गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है, अदरवाइज आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। एंड गाइस, क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है, टोटल कितना वैकेंसी निकल के आया, प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ऑल गाइज हम इन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइज, आपको बिना स्किप की वीडियो देखनी है ताकि आपका ऑल डाउट, ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल क्लियर हो सके। तो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइज आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल जेन्युइन लाता हूँ। तो गाइज, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो गाइज, इसकी अप्लाई क्रिया ऑनलाइन रहने वाली है। लास्ट डेट की बात करें तो 12 मार्च 2024 है। एंड गाइज, अब बात करें आपको, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया कि स्पोर्ट्स ऑफिसर एंड फिजिकल ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर का पोस्ट निकल के आया है। एंड गाइज, इसके अंदर अदर पोस्ट भी निकल के आई, बट हम बात करें स्पोर्ट्स ऑफिसर एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का। तो गाइज, अब बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया की, तो गाइज आप देख सकते हैं ग्रुप ए के अंदर स्पोर्ट्स ऑफिसर का पोस्ट निकल के आ रखा है, जिसके अंदर अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है। एंड सैलरी पैकेज की बात करें तो लेवल 10 के हिसाब से रहने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो गाइस इसके अंदर 1 आई है, एंड जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसी रिजर्व्ड आई है, किसकी, स्पोर्ट्स ऑफिसर की। एंड गाइस, इसके अंदर आपको एज लिमिट क्राइटेरिया बताया 45 ईयर्स तक गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, आपको जो सैलरी पैकेज लेवल 10 के हिसाब से इसके अंदर रहने वाला है। एंड गाइस, अब बात करें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का, तो आप देख सकते हैं ग्रुप बी की पोस्ट है। एंड एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें इसके अंदर 32 ईयर्स है, एंड आपका जो सैलरी पैकेज है लेवल 6 के हिसाब से इसके अंदर रहने वाला है। एंड गाइस, इसके अंदर अनरिजर्व्ड के अंदर 2 वैकेंसी है एंड ओबीसी के अंदर 1 वैकेंसी है, तो टोटल 3 वैकेंसी गाइस इसमें निकल के आई है, किसमें, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में। तो गाइस, अनरिजर्व में 2 है और एंड ओबीसी के अंदर 1 है, तो टोटल 3 वैकेंसी इसमें निकल के आई है, किसके अंदर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। एंड गाइस, अब बात करें इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आप गाइस आपको मैंने बताया एज लिमिट क्राइटेरिया, सैलरी पैकेज एंड गाइस टोटल वैकेंसी, ठीक है। तो गाइस, ये इंस्ट्रक्शन से आपको चित्र पढ़ लेने हैं, जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन एंड प्रोसीड फर्दर, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स मे सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो गाइस, इसके अंदर जो कैंडिडेट इंटरेस्ट है वही इसके अंदर अप्लाई करे, प्लस जो एलिजिबल है वही इसके अंदर अप्लाई करे, ठीक है। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 12 मार्च 2024 एंड कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन उसके प्राप्त हो तो ही गाइस वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन। एंड गाइस, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं recruitment.iitm.ac.in है, ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करिए, इसकी ऑनलाइन है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन March 12, 2024। एंड गाइस, थर्ड पॉइंट की बात करें तो गाइस आप देख सकते हैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ठीक है, जिस साइज के अंदर मांग रखे उसी साइज के अंदर गाइस आपको डॉक्यूमेंट्स आपको उस साइज के अंदर गाइस आपको अपलोड करने हैं। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम ए रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ओनली। तो गाइस, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है रिकग्नाइज होनी चाहिए बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, तो गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, अब बात करें इसके अंदर फीस स्ट्रक्चर की, तो गाइस आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹500 शुड बी पेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, नो एप्लीकेशन फीस फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स। तो गाइस, इसके अंदर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। एंड गाइस, अब बात करें आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी ऑब्टेंड एंड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट व्हेन कॉल्ड फॉर स्किल ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू, द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट टू बी सेंड टू द इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आपको इसके जो प्रिंट आउट है, द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट टू बी सेंड टू द इंस्टीट्यूट। तो गाइस, वो हार्ड कॉपी आपको
सेंड नहीं करनी है इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो गाइस ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस है, आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। तो गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन गाइस इसका लिंक दे दी जाएगा। सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कुछ नहीं करना गाइस, उस लिंक पे क्लिक करना है एंड गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। एंड गाइस ये ईमेल आईडी है, कोई ज्यादा इंक्वायरी चाहिए तो गाइस आप इनकी ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड गाइस अब बात करें इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि इसके अंदर स्पोर्ट्स ऑफिसर एंड फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स ऑफिसर वन पोस्ट अनरिजर्व्ड के अंदर निकल के आई थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनिशियल ग्रेजुएट विद मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो गाइस आपने मास्टर्स कर रखी इन फिजिकल एजुकेशन के अंदर या स्पोर्ट्स साइंस विद एटलीस्ट 55% आपके हैं एंड साथ में गाइस आपका 5 years का एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस है एंड शुड हैव रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एट स्टेट नेशनल लेवल, ठीक है, एंड शुड हैव स्पेशलाइजेशन इन एटलीस्ट वन स्पोर्ट सच एज हॉकी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन ETC। तो गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस बात करें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अंदर तो 2 vacancy अनरिजर्व्ड के अंदर आई थी और 1 vacancy OBC के अंदर आई थी, टोटल 3 vacancies में रिजर्व्ड आई थी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अंदर। तो गाइस बात करें इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गाइस आप देख सकते हैं इनिशियल ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपने BPED कर रखी है विद एटलीस्ट 60% आपके हैं एंड गाइस आपके पास 3 years का आपके पास एक्सपीरियंस है रेलिवेंट इन एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड शुड हैव रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड एट नेशनल स्टेट लेवल पर आपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गाइस आप इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव ए स्पेशलाइजेशन इन एटलीस्ट वन स्पोर्ट सच एज हॉकी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन ETC। तो गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो गाइस ये अदर पोस्ट भी निकल के आई है, बट हम बात करें स्पोर्ट्स ऑफिसर एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो एलिजिबल एंड जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसके अंदर अप्लाई करें, अदरवाइज आप अप्लाई ना करें। तो गाइस आपको मैंने बताया कि स्पोर्ट्स ऑफिसर के अंदर मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन कर रखी है, स्पोर्ट्स साइंस कर रखी है, तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें तो गाइस आपने BPED कर रखी है, 60% आपके हैं, तो गाइस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस आपको मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ, तो गाइस इसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है, लास्ट डेट की बात करें तो 12 मार्च 2024 है। एज लिमिट क्राइटेरिया गाइस स्पोर्ट्स ऑफिसर के अंदर 45 years है एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अंदर 32 years है। सैलरी पैकेज की बात करें तो गाइस स्पोर्ट्स ऑफिसर के अंदर लेवल 10 के हिसाब से रहने वाला है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अंदर गाइस लेवल 6 के हिसाब से इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। एंड गाइस स्पोर्ट्स ऑफिसर के अंदर 1 vacancy रिजर्व्ड आई है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अंदर 3 vacancy रिजर्व्ड आई है, 2 vacancy अनरिजर्व्ड में आई है और 1 vacancy OBC में आई है, तो टोटल 3 vacancies में रिजर्व्ड आई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस आपका इसके अंदर रिटर्न होगा एंड आपका इंटरव्यू होने वाला है। फीस स्ट्रक्चर गाइस आपको मैंने बता दिया था, 500 rupees लगने वाली है एंड SC ST वुमेन कैंडिडेट्स के लिए इसके अंदर कोई आपका फीस स्ट्रक्चर नहीं लगने वाला है। तो गाइस इसके अलावा फिर भी और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। जो एलिजिबल कैंडिडेट है किसी बात है वही अप्लाई करें, अदरवाइज आप इसके अंदर अप्लाई ना करें, ठीक है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो नए व्यूअर्स है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए। एंड गाइस साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि अब तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंच सके। एंड गाइस एक हमारा टेलीग्राम चैनल है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स, आपको शो हो जाएगा। हालांकि गाइस वहाँ शो नहीं होता है टेलीग्राम में, तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन गाइस इसका लिंक दे दी जाएगा। सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कुछ नहीं करना गाइस, उस लिंक पे क्लिक करना, आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो गाइस इस चैनल में भी प्यार दिखाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव ए ग्रेट डे।